राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णयों पर मुहर लगी। बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ योजना के जरिए युवाओं को मिले लाभ के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह से योजना के जरिए युवाओं को सीखने के साथ साथ मानदेय का लाभ भी मिल रहा है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जो कि सीएम हाउस कार्यालय समत्व भवन में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। इसमें कई अहम निर्णयों पर अंतिम मोहर लगी, तो जानिए आखिर ये कौन कौन से फैसले हैं। जिला पंचायत व जनपद सदस्यों का मानदेय बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी गई। जिला पंचायत सदस्यों का 4500 रुपये बढ़ाकर 13000 रुपये किया गया। 771 से अधिक जिला पंचायत सदस्यों को मिलेगा फायदा। शासकीय खजाने पर इससे 8,03,00,000 का आएगा अतिरिक्त भार। 7 नए शासकीय महाविद्यालय खोलने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। कैबिनेट बैठक में सीखो कमाओ योजना पर भी लगाई गई मुहर। पुलिस कर्मियों को लेकर सीएम की घोषणाओं को दी कैबिनेट में मंजूरी। पुलिस कर्मियों का कपड़ा भत्ता बढ़ाकर कर दिया गया 5000 रुपये। पुलिस कर्मियों को मिलने वाले भोजन की दर को बढ़ाकर किया गया 70 से 100 रुपये। कैबिनेट बैठक में नक्सली आत्मसमर्पण नीति को प्रदान की गई स्वीकृति। पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2023 से महंगाई राहत की दर में की गई वृद्धि। महंगाई राहत देने से सरकार पर आएगा 410 करोड़ का अतिरिक्त भार। बैतूल जिले की आमला तहसील में अनुविभागीय कार्यालय को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में युवाओं के रोजगार के नए सृजन की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के मंतव्य को स्थापित करने के रूप में दर्ज होगी। आज सीखो कमाओ योजना, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में वो युवा जो अपने भविष्य के निर्धारण के लिए रोजगार के नए अवसर को खोजते हैं, उनको सरकार द्वारा जहां एक और सिखाने का काम किया जाएगा, तो वो उस सीख के माध्यम से अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सकें, उनको अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें, इसकी व्यवस्था भी रहेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के करकमलों से सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत वो 14,500 युवा जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीयन कराया है, उनको अलग अलग कंपनियों के माध्यम से अनुबंध पत्र का वितरण माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की करकमलों से होगा। इससे जहां युवाओं को अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने नए विधा को सीखने का मौका मिलेगा, तो उस विधा के माध्यम से उनको आगे के जीवन में रोजगार भी सृजित होगा। 8000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक इस योजना के अंतर्गत जब युवा ट्रेनिंग लेंगे तो उनको ये मानदेय मिलेगा और इस मानदेय के माध्यम से वो सीखने के समय भी अपना जीवन यापन कर सकेंगे और जब वो उस विधा में निपुण हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको रोजगार भी मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की युवाओं के भविष्य के निर्धारण की और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की अभिनव योजना है, इसकी आज शुरुआत हो रही है। शिवराज कैबिनेट में युवाओं, जनपद सदस्यों, पुलिस कर्मियों और पेंशनर्स को लाभ देने का काम किया गया। इसी तरह शिक्षा का स्तर ऊंचा करने पर जोर दिया गया, क्योंकि अब प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।